बेटा अब अपन पढ़ेंगे बंधी व प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको वापस एलसीयू पे ले चलूँगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बने कहाँ से हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बने। उस लीनियर कॉम्बिनेशन के दो तीन नियम हैं, वो बता के फिर मैं आपको इनका कंपैरिजन सिखाऊंगा। इसके जो नियम हैं LCAO के, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो सुनो ध्यान से। ये नियम आपको आ गए तो फिर आपको MOT के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो भी परमाणु कक्षक जुड़ेंगे उन सब की लगभग ऊर्जा समान होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के केस में एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से जुड़ेगा और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। संयोग करने वाले परमाणु कक्षों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा, परमाणु कक्षकों में अधिकतम प्रभावी अतिव्यापन होने की स्थिति में त्रिज्यीय वितरण नियम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्नाभिकीय परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण परस्पर आकर्षण अधिक होगा। तीसरी बात अपन करेंगे, बंदी व प्रतिबंधी कक्षों के निर्माण में या तो परमाणु कक्षों की सममिति समान रहनी चाहिए या दोनों ही परमाणु कक्षों की सममिति समान रूप से परिवर्तित होनी चाहिए। जैसे अपन ने पहला केस पढ़ा था कि हाइड्रोजन का 1s दूसरे एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से ही LCAO करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 2s से लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। दूसरा था बेटा कि एक का 2p दूसरे के 2p से ही कॉम्बिनेशन करेगा, एक का 2p दूसरे के 3p से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का ऊर्जा अंतर भी अधिक होता है। तीसरी बात ये थी कि हम दिशा और देखेंगे, जैसे 3D की बात करते हैं तो X, Y और Z तीन डायरेक्शंस होंगी। तो X डायरेक्शन के अंदर हम अगर PX को मानते हैं, Y डायरेक्शन में PY होगा, Z डायरेक्शन में PZ होगा, और इस X अक्ष को ही हम मेन डायरेक्शन मान रहे हैं, तो जो S होगा वो PX के साथ तो ओवरलैपिंग करेगा लेकिन PY और PZ के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये मेन बात थी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की, जो अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात, ऊर्जा का मान लगभग समान होना चाहिए, और दूसरी बात, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, दिशा एक ही होनी चाहिए। एक्स वाला वाई वाले से ओवरलैपिंग नहीं करेगा और वाई वाला जेड वाले से नहीं करेगा, जेड वाला एक्स वाले से नहीं करेगा। एक्स एक्स से ओवरलैपिंग करेगा, वाई वाई से ओवरलैपिंग करेगा और जेड जेड से ओवरलैपिंग, और एस वहाँ ओवरलैपिंग करेगा जिसको अपन ने मेन एक्सिस माना है। ये मेन इसके ओवरलैपिंग के नियम थे LCAO के, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और उसके आधार पर क्या बने बेटा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की ऊर्जा कम हुई और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा ज़्यादा हुई। अब इनकी तुलना कर लेते हैं। ओम हरि ओम। पहला है बंधी आणविक कक्षक और दूसरा है प्रतिबंधी आणविक कक्ष। तो जो बंधी हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये परमाणु कक्षकों के योगात्मक प्रभाव एडिटिव इफेक्ट का परिणाम, और जो एंटी बॉन्डिंग है बेटा वो ये परमाणु कक्षकों का व्यवकलनात्मक यानी सबस्ट्रक्टिव इफेक्ट का। ये अपन ने देखा तो था, उसमें साई ए प्लस साई बी हुआ था बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग हुआ था साई ए माइनस साई बी, यानी बॉन्डिंग में एडिशन हुआ और एंटी बॉन्डिंग में सब्सट्रक्शन हुआ। दूसरा है बॉन्डिंग, इनकी ऊर्जा संयोजित परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होती है। हमने देखा था कि बॉन्डिंग की ऊर्जा कम थी जो मुख्य एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनसे, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी क्या थी, इनकी ऊर्जा संयोजित परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। यानी जो LCAO लिया हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया, उनसे बॉन्डिंग की ऊर्जा कम और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक होती है। थर्ड पे आ जाओ, बॉन्डिंग के केस में नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण कम होने के कारण
इनका स्थायित्व अधिक होता है, अर्थात इनकी ऊर्जा कम होती है। और एंटीबॉन्डिंग की बात करो बेटा, एंटीबॉन्डिंग के केस में क्या होता है, नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण इनका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, अर्थात इनकी ऊर्जा अधिक होती है। चौथा है बेटा, ये परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। जो बंदी आणविक कक्षक हैं इनकी ऊर्जा कम हुई, और मैंने पहले बताया था आपको कि जिसकी ऊर्जा जितनी कम वो उतना ज़्यादा स्थायी, और जिसकी ऊर्जा जितनी अधिक वो उतना कम स्थायी। ये परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है, और जो एंटीबॉन्डिंग होंगे ये परमाणु कक्षकों की तुलना में कम स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा अधिक होती है। अब बॉन्डिंग की बात करता हूँ, इसमें सिग्मा और पाई आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बॉन्डिंग को, और एंटीबॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हुए बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग के मेन मेन नियम। क्या क्या है, जो बॉन्डिंग है उनकी ऊर्जा कम क्योंकि ये एडिशन से बने हैं, इनमें नाभिकों में रिपल्सन कम, इनकी ऊर्जा का मान कम, इनका स्थायित्व अधिक, और इनको डिनोट करते हैं सिग्मा और पाई से। अब एंटीबॉन्डिंग पे आ जाओ, एक साथ ही बता देता हूँ, ये सबस्ट्रक्शन से बने हैं, इनमें माइनस आया था साई ए माइनस साई बी, इनकी ऊर्जा अधिक थी, इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक है, इनका नाभिकों के मध्य घनत्व जीरो है, इनमें परमाणु कक्षकों की तुलना में स्थायित्व कम क्योंकि ऊर्जा अधिक है, और इनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करते हैं। ये मेन मेन मैंने आपको दोनों के अंतर बताए, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे।